हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी किचन की एंट्रेंस का लुक चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि किचन की एंट्रेंस की दीवारें थोड़ी सी हो गई हैं मैली और बाकी घर की सारी दीवारें साफ है। सिर्फ एक दो दीवारें ही हैं जो थोड़ी सी मैली हैं और मैं इन दो दीवारों की वजह से पूरे घर को पेंट नहीं करवाना चाहती, क्योंकि पेंट करवाने में काफ़ी खर्चा हो जाता है और मैली दीवारें भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि जिसमें खर्चा भी कम हो और घर भी सुंदर भी लगे और साफ भी लगे, तो ऐसा ही मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि घर में एक दो दीवारें मैली होती हैं और बाकी घर साफ होता है। तो मेरी किचन की एंट्रेंस की दीवारें मैली हैं और साथ में एक रूम की दीवार भी मैली है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन जो मुझे लगा वो है वॉलपेपर। तो वॉलपेपर को मैंने मंगवाया है अमेजोन से। तो अमेजोन पर कई तरह के वॉलपेपर अवेलेबल हैं। तो ये मैंने दो रोल मंगवाए हैं, एक रोल 5 मीटर का है। तो इस तरह से मैंने 10 मीटर वॉलपेपर मंगवाया है। तो वॉलपेपर लगवाने से हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारा खर्चा भी कम होगा। तो आप इसका साइज और मॉडल नंबर भी देख सकते हैं और इस वॉलपेपर का नाम ओल्ड विंटेज स्टोन है। तो ये वॉलपेपर कुछ इस तरह से दिखता है और पीछे से ये स्टिकर टाइप होता है। तो वॉलपेपर मंगवाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि पहले आपने जहाँ पर भी वॉलपेपर लगाना है तो उस दीवार का मेजरमेंट जरूर ले लें, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि आपको कितना वॉलपेपर चाहिए और आप उसी हिसाब से वॉलपेपर का ऑर्डर करें। तो मैंने पहले दीवारों का मेजरमेंट कर लिया था ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितने रोल चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने 10 मीटर रोल मंगवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी वॉलपेपर लगाने की। तो पहले दीवारों पर अगर कुछ लगा हुआ है तो वो भी उतारेंगे और अगर कोई कील वगैरह भी लगा हो तो वो भी उतारना चाहिए, फिर ही वॉलपेपर लगाना चाहिए। तो दीवार को एकदम क्लियर करने के बाद एक बार साफ कपड़े से पोंछ भी लेंगे, ताकि अगर डस्ट वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। साफ दीवार पर वॉलपेपर लगाने से वॉलपेपर की लाइफ भी बढ़ेगी। अमेजोन पर आपको वॉलपेपर की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी और अलग अलग रेट में अलग अलग तरह की वैरायटी है। तो आप अपने बजट के हिसाब से और आपके घर में किस कलर का पेंट हुआ है उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और इनको लगाना भी बहुत ही आसान है, आप इसे खुद भी लगा सकते हैं। पीछे से इसके पीछे जो पेपर लगा है उसको उतार कर आपको दीवार पर स्टिक ही करना है। वॉलपेपर लगाते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कोशिश करें कि आप एक ही बार में इसे अच्छे तरीके से लगा लें, क्योंकि अगर हम इसे एक बार चिपकाने के बाद उतार कर दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे तो इसकी गम खराब हो जाएगी। और इसे लगाते टाइम पूरा पीछे से कागज पूरा ना उतारें, थोड़ा थोड़ा उतारते जाएं और इसे चिपकाते जाएं और ऊपर से किसी साफ कपड़े से इसे प्रेस करते जाएं, ताकि बीच में एयर ना रहे, अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इस तरह लगाने से ये जल्दी से नहीं उतरेगा और इसकी लाइफ काफी बढ़ जाएगी।
तो एक दीवार पर वॉलपेपर लग चुका है, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी बाकी सारी दीवारों पर भी जहां जहां हमने लगाना है वो लगाकर फिर आप पूरा फाइनल लुक देखकर ही बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो इस तरह से किचन का थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा। तो अभी रूम के कर्टन के पास वाली दीवार भी काफ़ी मैली थी, तो आप देख सकते हैं कि बाकी रूम की दीवारें कितनी साफ हैं और सिर्फ यही दीवार कर्टन के वजह से मैली हो जाती है। तो यहाँ पर भी लगाकर इसका भी लुक अच्छा सा आ जाएगा। रूम की दीवार पर वॉलपेपर लग चुका है और ये वॉलपेपर काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कर्टन की वजह से ये दीवार काफी मैली हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये दीवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और अभी सारा वॉलपेपर लग चुका है और जितनी भी मैली दीवारी थी उसको भी वॉलपेपर ने कवर कर दिया है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसे हम खुद ही लगा सकते हैं और हमें पेंट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे अक्सर दीवारों पर ड्राइंग पेंटिंग करते रहते हैं, तो दीवारें खराब सी लगती हैं। तो अगर या फिर आपके घर की दीवारों पर सीलन है तो आप इस तरह से वॉलपेपर लगाकर अपने घर को सुंदर बना सकते हैं और मैली दीवारों को भी छुपा सकते हैं। आपको ये किचन का नया लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये है मेरी किचन की एंट्रेंस का नया लुक, आपको ये नया लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में आपसे बहुत ही जल्दी।